आप सभी वेलकम बैक टू माय चैनल और सभी को मॉर्निंग वाली गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है और अभी घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 9 और मैंने नहा लिया है। अनिका भी उठ चुकी है और सिद्धांत और रिद्धिका भी सो रहे हैं और आज है संडे तो चाय वगैरह हमारी हो चुकी है। अभी एक बार चाय और बनाएंगे। और आपने देखा अभी कि कितने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो पहाड़ बन गया है कपड़ों का। तो बस इन्हें फोल्ड करूँगी और जो प्रेस के कपड़े हैं उनको अलग निकाल के रखूँगी और बाकी जो रेगुलर कपड़े हैं उनको तय लगा के अलमारी में रखूँगी। तो बस इतना पहाड़ इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है और कपड़े धुलते हैं, बच्चों का साथ है, कपड़े तो रोज़ ही धोना है तो वो सूख नहीं रहे हैं, इस वजह से कपड़े इकट्ठे होते जा रहे हैं, इसलिए कपड़ों का बन गया है पहाड़। और आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध, तो उसका भी खाना बनना है और मोना भी आएगी आज। तो बस आज जल्दी जल्दी नहा लिया है, जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं फटाफट वाले। और अनिका अभी टीवी देख रही है कमरे में, तो पहले फटाफट से कपड़ों की घड़ी कर लूँ, नहीं तो कपड़े रह जाएंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है, नहीं तो बच्चे उठ जाते हैं ना तो कपड़े देखते ही एक इधर जाता है एक उधर जाता, फैलाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए पहले कपड़े घड़ी कर लेते हैं फिर दूसरे काम करेंगे। और आज भी मौसम क्लाउडी हो रहा है, बारिश होगी, यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई थी कल, तो बहुत ही अच्छी हुई थी। तो चलिए फटाफट से पहले ये कपड़े लगा लेते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। देख सकते हैं कपड़ों की तय मैंने लगा ली है और ये साइड में रखे ना ये रेगुलर के कपड़े हैं जो मैं प्रेस करूँगी और इनके जो पैंट शर्ट है वो बाज़ार में जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये है मॉर्निंग का सीन। तो जिस दिन श्राद्ध था ना उस दिन की क्लिप नहीं ले पाई मैं और इतनी हौच पौच हो गई थी, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गई थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा उदम मचा रहे थे तो कोई भी क्लिप नहीं ले पाई। और सब लोग आ गए थे तो बस बातें और सब भूल गई और सब खाना, क्योंकि लेट हो रहे थे, टाइम हो गया था तो फटाफट से खाना भी बनाना था, जिनको टाइम दिया था खाने के लिए उनको टिफ़िन भी भेजना था, तो बस बहुत टाइम हो गया था इस वजह से कोई भी शूट वगैरह नहीं कर पाई। तो गाइस ये है मॉर्निंग का टाइम, अभी बच्चे लोग सो रहे हैं तो फटाफट से जो बर्तन निकले थे ना, बहुत सारे बर्तन निकले थे, एक तरफ मलाई भी निकाल के रखी, पूरी किचन इतनी मैसी हो गई थी और इतनी फैल गई थी मैं बता नहीं सकती आपको। तो ये है सुबह का टाइम, तो चाय वगैरह हमने ले ली है और सारे बर्तन मैं जो बाहर धुलवाती हूँ, आंटी आती हैं वो धोती हैं, और बेसिन में बस जो बर्तन थोड़े बहुत निकलते हैं वही धोते हैं हम लोग, बाकी बर्तन सब बाहर पोर्च में धुलते हैं, जगह बना के रखे बर्तन धोने के लिए अलग से तो वहीं धुलते हैं। तो सब बर्तन बाहर रखे थे फिर उनको लेके आई, सब फैला दिए, फिर एक एक करके पोंछ के उनकी जगह पर लगा दिए हैं, जिद्दी से जब तक बच्चे उठेंगे नहीं, तो अगर बच्चे उठ गए ना तो ये सारा कुछ फैला देंगे, मेरा काम और फैल जाएगा। तो देख सकते हैं किचन की हालत कितनी ख़राब हो रही है, पूरा सामान फैला पड़ा हुआ है। और इधर फटाफट से मैं सारे बर्तन वगैरह समेट के फिर खाने की भी तैयारी करनी है, नहाना भी है, बहुत सारे काम है। और बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है, चाय वगैरह हो चुकी है, नाश्ते में देखती हूँ क्या बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट में जो हल्का फुल्का होगा वही खा पी लेंगे या फिर ब्रेड वगैरह सैंडविच वगैरह बना लूँगी, उससे ही हो जाएगा। तो बस जल्दी जल्दी बर्तन लगी हूँ समेटने की, जल्दी जल्दी समेट जाए क्योंकि सुबह के जो काम होते हैं हाल टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं पड़ता है, पूरा टाइम जल्दी जल्दी करने में निपट गया। तो बस बर्तन भी समझ में नहीं आ रहे थे और क्योंकि बर्तन आधे कवर्ड ऊपर से निकाले थे तो वो भी ऊपर रखने थे जगह पे, जो अंदर के बर्तन थे नीचे अलमारी के वो नीचे लगा दिए, बाकी जो बर्तन थे ऊपर रखने थे मैं उनको साइड में रखती जा रही थी, उनको पहले मैंने अलग अलग रखती जा रही थी जिससे कि समझ में आ जाए कि कौन से बर्तन कहाँ रखने हैं। तो बस यही कर रही थी मैं। और पिछली बार जब श्राद्ध किया था ना तो पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया था, वो मेरे चैनल पर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। श्राद्ध की थाली, बहुत ही सारी सब्जियां बनाई थी मैंने, तो आप जाके ज़रूर चेक करिएगा।
और अगर आपको आज का थोड़ा सा भी अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए, जिससे कि आने वाले जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको मिल सकें। तो चलिए, और आपको अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। तो चलिए फटाफट से काम निपटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या करना है। फिर नहाऊंगी जाके, और बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश तो ऐसे हो रही है कि पता ही नहीं पड़ रहा है कि अभी धूप है और थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएगी, पता ही नहीं पड़ता। तो चलिए फटाफट से बर्तन जमा लेती हूँ, फिर चाय बनाऊँगी दोबारा से। सिर में दर्द होने लगा मेरे तो आज, पता है बहुत दर्द हो रहा था सिर में। तो चलिए फटाफट से करके फिर चाय बनाते हैं, आ जाइए आप भी चाय पीने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर रहूँ, और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत सारा थैंक यू। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? सॉरी, रेसिपीज़ वगैरह मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि इतनी हौच पौच हो गई थी कि एक भी शूट नहीं कर पाई, और बच्चे बाय गॉड बहुत गम मचा रहे थे, इस वजह से कोई शूट नहीं कर पाई। क्योंकि श्राद्ध में जो खाना बनता है ना, बहुत सारा बनता है और वेराइटीज़ रहती हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाया शूट करना, और बहुत सब लोग आ गए थे, इस वजह से भी नहीं हो पाया। तो चलिए, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी आप लोगों से। बहुत अच्छे से हो गया और बहुत मज़ा भी आया, सब लोग आ गए थे तो बहुत मज़ा भी आया, तो उसके लिए सॉरी कहूँगी कि आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। मगर आप मेरे पिछले बार का, पिछले ईयर का जो एपिसोड वो देखेंगे ना, ब्लॉग देखेंगे, सॉरी एपिसोड बोलने वाली थी, ब्लॉग देखेंगे ना, तो उसमें आपको जो मैंने रेसिपीज़ बनाई थी ना, वो सारी मैंने शेयर करी थी, तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। पिछले साल के मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हैं, वो वीडियो मैंने अलग से बनाया था श्राद्ध में क्या क्या बनाया था, वो सारे वीडियो उसमें हैं, सॉरी उसमें जो डिशेज हैं वो सारे हैं। आज पता नहीं क्या क्या मुझे निकल रहा है। तो बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं मेरे, एक तो ये है अनिका, अनिका, अनु, अनिका इधर आओ। और इनको जब पानी की बोतल दिख जाती है ना, तो इनको पता है क्या करना रहता है, फैलाना रहता है पानी की बोतल को, तो इनको पानी की बोतल खोलने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये देखिए ढक्कन खोलने में एक्सपर्ट हैं, ये ढक्कन खोलने में। पानी पीना है? चलिए पानी पिलाते हैं हम आपको। तो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, कमेंट करिएगा, और अपनी राय ज़रूर साझा करिएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और घंटी ज़रूर बजा देना, जिससे कि आने वाले जितने भी नए एपिसोड आएंगे ना, उसका आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।